Welcome to SkillHai. I'm Riya Bansal, and today I'm telling you about digital marketing work कैसे करती है. हमने last class में देखा था digital marketing क्या है, digital marketing क्यों use होती है और offline marketing से digital marketing better क्यों है. See, digital marketing सीखने से पहले आपको ये सीखना होगा कि सर्च इंजन्स क्या है, सर्च इंजन्स वर्क कैसे करते हैं, सर्च इंजन्स की एल्गोरिदम क्या है. इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का बेस है. अगर आपको सर्च इंजन ही नहीं पता होगा तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते, डिजिटल मार्केटिंग का काम नहीं कर सकते. सो सर्च इंजन बेसिकली बहुत सारे होते हैं, बट जो हम तीन जो मेन आज के टाइम पर यूज होते हैं, इट्स गूगल, याहू एंड बिंग. सबके अपने अपने एल्गोरिदम्स अलग अलग होते हैं. अब इनके एल्गोरिदम्स में होता क्या है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिलेवेंसी एंड देन आउटपुट या रिजल्ट, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो वेब पेजेस होते हैं, गूगल का क्रॉलर आता है, क्रॉलर पूरे वेब पेजेस को चेक करता है ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम. बहुत अच्छे से उसको चेक करने के बाद वो अपने डाटा बेस में जाके स्टोर कर देता है. फिर वहाँ पे जाके इंडेक्सिंग होती है, गूगल पेज वेब पेजेस को वन बाय वन सीरीज में उसको इंडेक्सिंग कर देता है वहाँ से. देन उसके बाद जब आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं, लाइक मैंने टॉप 10 प्लेसेस इन दिल्ली या कुछ भी सर्च किया, सर्चिंग के बाद वहाँ से क्रॉलर दोबारा जाता है एंड उसके जो आपने सर्च किया उसे रिवेलेंट पेजेस आपको निकाल के आपकी स्क्रीन पे शो कर देता है. तो वही चीज़ होती है आपका रिजल्ट या आउटपुट. इसी तरीके से गूगल का एल्गोरिदम जो है वो वर्क करता है. HTML की क्लासेस, HTML बेसिक HTML क्या होता है, वो HTML हम कैसे यूज़ करते हैं, वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में. सो इसके स्टार्टेड.